लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। सर्वशक्ति समन्वित स्त्री तू है शक्ति, स्त्री शक्ति। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनी। और मैं हूँ दीप्ति। और आप देख रहे हैं लाइव कोलकाता। कहते हैं स्त्री की उन्नति पर राष्ट्र की उन्नति निर्भर होती है। जी हाँ सोनी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर औरतें सशक्त हैं तो वो पूरे समाज और राष्ट्र को सशक्त बना सकती हैं। आज साल के आखिरी दिन इस बात के एक अहम पहलू नारी सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट पे एक अहम विशेष कार्यक्रम हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जहां समाज से जुड़ी कुछ विशेष महिलाओं से करेंगे हम चर्चा इस मुद्दे पर। तो आइए सबसे पहले मिलवाते हैं आपको आज के इस कार्यक्रम के कुछ खास मेहमानों से। तो इसे लेकर आज हमारे स्टूडियो में तीन मेहमान मौजूद हैं। तो हमारे साथ आज की मेहमान है डॉक्टर कमलेश जैन, जो एक्स प्रोफेसर रह चुकी हैं जयपुरिया कॉलेज की। हमारे साथ है मिमी दास, जो कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। और आज हमारे साथ है तीसरी मेहमान पूर्णिमा चक्रवर्ती, ये एक समाज सेवी है। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर्वशक्ति समन्वित भयेभ्यस्त्रादिमा देवी। स्त्री तू है शक्ति, स्त्री शक्ति। तो दीप्ति, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? चलिए सोनी, आज सबसे पहले हम ये मुद्दा ही शुरू करते हैं, बिना समय बिताए आज ये मुद्दे पे ही चर्चा करना शुरू करते हैं। एकदम दीप्ति, तो सबसे पहला मेरा सवाल जो रहेगा वो कमलेश जी से रहेगा, जो कि शिक्षा के क्षेत्र से काफी दिनों से जुड़ी हुई है। और साल 2017 और 18 को लेकर अगर ले लें तो काफी परिवर्तन जो है वो देखने को मिला है शिक्षा के क्षेत्र में। तो आप ये बताइए कि बहुत सारी सरकार जो हमारी योजनाएं लेकर आई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद हमारे राज्य सरकार की अगर बात कर ले तो कन्याश्री योजना बहुत ही फेमस है और बहुत ही प्रचलित है, बहुत सारी कन्याओं को इससे फायदा भी हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप ये बताइए कि कितने बदलाव देखे हैं आपने शिक्षा के क्षेत्र में? नारी शिक्षा के क्षेत्र में 19वीं शताब्दी से ये क्रांतिकारी दौर शुरू हुआ था। उस समय सरकार ने संरक्षण देकर के महिलाओं के उन्नति के लिए स्कूल कॉलेज विद्यालय सब कुछ खोले थे। इसके पश्चात 21वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है महिलाओं के लिए, उसमें बहुत ही परिवर्तन आ गया। जो क्षेत्र पहले महिलाओं के पढ़ाई के लिए अलग निर्धारित थे कि वे होम साइंस पढ़ें या घर की जो शिक्षा दीक्षा है उसी के स्तर पर वो रहे, अब वो क्या है कि कॉमर्स साइंस तथा एस्ट्रोलॉजी तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए उत्सुक हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन आया है 21वीं शताब्दी में। जबकि हम लोग देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े स्कूल कॉलेज और ये हैं आज सब को ऐड हो गए हैं, वहाँ पर महिलाओं को अपने आप को अभिव्यक्त करने की आगे बढ़ने की पूरी स्वतंत्रता है। एक समय था कि जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए पढ़ाई के लिए बहुत रोक टोक होती थी, वो घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। तो उस समय माता पिता को ये लगता था कि अगर घर से बाहर जाएगी तो हमारे इज्जत के ऊपर आँच आएगी, और अगर वो कभी यह निर्णय लेती थी कि मैं कोई जॉब करूँगी तो लगता था कि घर में पहाड़ टूट पड़ेगा, उनकी मर्यादा धूल में मिल जाएगी। लेकिन आज ये समय आ गया है कि हर माँ बाप ये सोचते हैं कि उनकी लड़की पढ़ने के लिए फॉरेन जाए, पेइंग गेस्ट बन करके किसी दूसरे शहर में जाए और वहाँ जा करके वो अपना नाम कमाए, और वो आज बहुत फख्र से कहते हैं कि हाँ मेरी बेटी एमटेक कर रही है, एमबीए कर रही है, वो बेंगलोर से कर रही है, पुणे से कर रही है। तो ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में
बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने से क्या कि नारी की स्थिति में भी बहुत परिवर्तन आया। सरकार ने भी उन लोगों की शिक्षा दीक्षा के लिए बहुत कुछ किया है और इस तरह से हम देखते हैं कि नारी के जो विकास के चरण है वो विभिन्न क्षेत्रों में फैलते चले जा रहे हैं। अब ये पर उनको लग गए हैं, अब वो कहाँ तक उड़ेंगी, कहाँ तक कुछ कर पाएंगी, ये एक समस्या आज फिर से पैदा हो गई है। अब जब लड़कियाँ पेइंग गेस्ट होकर के रह रही हैं, अकेले कमरे में दो दो लोगों के साथ में कमरा शेयर करती हैं, तो आज उनके साथ क्या है कि संस्कार और तहजीब का अभाव हो गया। ऐसी स्थिति में क्या है कि वो पुरुष वर्ग के साथ में सहचरी और सहयोगी न बनकर के प्रतिद्वंदिता के रूप में आ गई हैं। ऐसी स्थिति में उनकी जो बुराइयां हैं, जो उनके अब दुर्गुण हैं, उन्होंने उसको भी उन्होंने अपना लिया है। अब वो खुले आम स्मोकिंग करती हैं, ड्रिंकिंग करती हैं, ड्राइविंग करती हैं और ओवर ड्रिंक होकर के वो जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि हम शिक्षा और विकास के द्वारा नारी का जो विकास करना चाह रहे थे क्या वो सही दिशा में हो रहा है, क्या नारी वास्तव में अपने अधिकारों को स्वतंत्र रूप से उपयोग कर रही है या वो समाज के लिए एक समस्या बन करके खड़ी हो गई है। जी बिल्कुल सहमत हूँ कमलेश जी आपकी बातों से। तो मैं पूर्णिमा जी से जानना चाहती हूँ कि आप क्या कहेंगी इन पर। मैडम कमलेश जी ने बहुत ही सही कहा है, मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि आज की जो हमारे घर की लड़कियों को जिस प्रकार से हम लोग छूट देते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग वो रहते हैं कि हम लोग जो नहीं कर पाए हमारी बच्चियाँ करें, तो इस हिसाब से हम लोग उन्हें उस तरह की छूट देते हैं या हर तरह के उसे उपलब्ध कराते हैं सुविधाएं जो हम लोगों को हमारे समय में नहीं मिला। लेकिन कुछ सामाजिक संस्कार बोलिए या शिक्षा बोलिए घर के अभाव के कारण वो लोग उस सुविधा का उपयोग सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शायद हम लोगों की भी कमी है। मतलब पूर्णिमा जी आपका कहने का मतलब है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हमने सरकार द्वारा ये तो चलिए ये मुहैया करा दिया कि हाँ भाई हम लोग बेटी को बचा रहे हैं बेटी को पढ़ा रहे हैं, पर अभी जो हो रहा है कि वो पढ़ाई वो आजादी का आप लोग बता रहे हैं कि जैसे थोड़ा गलत फायदा उठाया, थोड़ा गलत हो रहा है बट बहुत जगह अलग एक रुख लेके जा रहे हैं जो नहीं जानी चाहिए। जैसे हमने हाल फिलहाल सोनी दिखाया था, हमने सारी महिलाएं नहीं कर रही, सारी लड़कियां नहीं कर रही, वो एकदम सही कह रहे हैं, सब पे हम नहीं जा रहे हैं, पर जैसे सोनी अभी हाल फिलहाल हमने न्यूज में दिखाया था हयात के पास जो हुआ वो एक औरत ने एकदम ड्रंक करके नशे की हालत में पूरा मतलब वैसे यहाँ से भाग गई है, तो ये सब चीजें काफी ज्यादा खबरों में आ रही है। तो जैसे इन्होंने ये टॉपिक उठाया है की हाँ भाई ऐसा भी कुछ सामने आ रहा है, पर एक और चीज आपसे जरूर जानना चाहूंगी पूर्णिमा जी कि जैसे हमने कमलेश जी से पूछा था कि हम लोग ने जो टॉपिक शुरू किया था मुद्दा शुरू किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, तो ठीक है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गलतियां हो रही हैं, पर हम ये जानना चाह रहे थे आपसे कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम है सरकार का ये किस हद तक सफलता हुई है, क्योंकि आप शिक्षक हैं कमलेश जी और आप एक सोशल वर्कर हैं पूर्णिमा जी, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये सच में ये स्कीम लागू हो पा रही है, मतलब लोग अब क्या सोच बदली है बेटी को बचा रहे हैं या बेटी को अभी भी मार रहे हैं पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल बदली है, मैं इस दावे के साथ बोलूँगी कि जब एक समय था कि लड़कियां पैदा होती थी उन्हें मार दिया जाता था या भ्रूण हत्या इस तरह के काफी केसेस आते थे, बट बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जब से ये अभियान चली है तो लोगों में जागरूकता फैली है कि नहीं बेटियां बोझ नहीं है, बेटियों को अगर पढ़ाया जाए तो वो लड़कों से कम नहीं होगी, तो लड़कों से दो कदम भले ज़्यादा हो कम तो नहीं होगी। तो आजकल माँ बाप इस अपने मनोकामना के साथ बच्चियों को पढ़ाते हैं अपनी मेहनत से चाहे जो भी है, लेकिन देखिए आप अपने बच्चों को कितना भी पढ़ा लीजिए कितना भी आप उसे मार्शल आर्ट सिखा लेती हैं या कुछ भी कर लेती हैं, विदेश भेज दीजिए देश भेज डॉक्टर बन जाए इंजीनियर बन जाए कुछ भी, लेकिन जो हमारे समाज के विकृत मानसिक वाले लोग जो हैं वो भले नारी वहां बैठी है वो विकृत मानसिकता वाले लोग उसे भले भय से इज्जत से देख रहे हैं बट उसके मन मस्तिष्क में क्या घूमती है उसके लिए वो एक नारी भली भांति समझ जाती है।
जी बिल्कुल, जैसा कि नारी जो है भली भांति समझ जाती है, वो कहते हैं ना दीप्ति सिक्स सेंस होती है जी, और नया साल का मौका है, हर लोग जो है जश्न में डूबे हुए हैं। लोग जैसे कि कमलेश जी ने कहा है कि कुछ बेटियां जो है या कुछ महिलाएं इसका गलत फायदा भी उठाती है, बेटा के ने जो आजादी दी है उसका गलत फायदा उठाता है। तो मैं मिमी जी से जानना चाहूंगी ये कि आप बताइए कि नए साल को लेकर जो महिलाएं इस वक्त घर पर हैं और कुछ महिलाएं बाहर पर हैं, तो क्या बदलाव आप देख पा रही हैं? देखिए, वुमन एम्पावरमेंट जो है उसके कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। फेमिनिज्म एक कॉम है औरतों का, जो लोग समझते हैं कि पुरुष को पैर के रोनने से ही हम लोग नारीवादी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पुरुष और नारी जो है मिलके समाज चलाने से ही इकोलॉजिकल बैलेंस जो है बायोलॉजिकली वो मेंटेन होता है। बहुत सही बात है। तो सम्मान जो है, वी हैव टू गिव डिग्निटी टू ईच अदर, इस हिसाब से हमको चलना चाहिए। और कुछ नारियां जो ऐसे समझते हैं कि अगर एक लड़का सिगरेट पी सकता है तो हम क्यों नहीं पीते हैं, तो हमको लगता है ये सिगरेट पीने वाली बुद्धि अगर किसी अच्छा काम में अगर वो यूज़ करती है तो वो बहुत आगे जाएगी। सिर्फ सिगरेट पीने से मर्दों के साथ या कंधे से कंधे मिला के ड्रिंक करने से एम्पावरमेंट नहीं होती है। और एक एसी होटल में बैठ के आपका कुछ फर्स्ट क्लास लेडीज को बिठा के भी एम्पावरमेंट नहीं होती है। मेरे लिए एम्पावरमेंट उन नारियों का है जो लोग माइल से माइल चल के आते हैं और वो लोग फ्लावर बेचते हैं या काम करते हैं और कोई 20 रुपया 50 रुपया घर लेके बाजार करके जाते हैं और अपने बेटी को स्कूल में पढ़ाते हैं। हम लोग आजकल बोलते हैं शीरोज, हीरोज से एक नया टर्म आया है शीरोज, तो यही शीरोज, यही सब हमारे नज़र में शीरोज है। एक सोशल एक्टिविस्ट और एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होने के नाते हम लोग ग्राउंड लेवल में काम करते हैं। तो इस हिसाब से हमने देखा है कि जो लोग हम लोग बेनिफिटेड फैमिली से बॉर्न हुए हैं, कॉन्वेंट में गए हैं, कोएड स्कूल में गए हैं, हम लोगों को जिंदगी में उतना स्ट्रगल, अपना अस्तित्व को दिखाने का उतना स्ट्रगल हम लोगों को नहीं करना पड़ा। लेकिन गांव की जो औरतें आती हैं शहर में काम करने के लिए, वो लोग का हर रोज़ स्ट्रगल करना पड़ता है, हर मोमेंट वो लोग का स्ट्रगल है। तो देखा जाए तो जब वो लोग घर से बाहर निकल के वो लोग अपना पैसा कमा रहे हैं, छोटा मोटा बिजनेस करके घर चला रहे हैं, एम्पावरमेंट इसी को बोलते हैं। रास्ते में सिगरेट पीने से या पब में दारू पीने से कंधा मिलाया नहीं जाता है। जब एक औरत मर्द के साथ घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर करे, वही असल में एम्पावरमेंट होती है। बहुत अच्छी बात कही आपने। आपकी पूरी बात से बहुत ज्यादा सहमत है। बट मिमी जी, आपसे एक और सवाल जरूर करना चाहूंगी मिमी जी, क्योंकि जैसे हमने इंट्रोड्यूस करवाया, मिमी जी एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और हम जानते हैं कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एक इंसान को उतने करीब से जान पाता है, देख पाता है, उनकी समस्याओं को समझ पाता है, जो कि एक आम इंसान या फिर सरकार नहीं इतने करीब से जान पाती। आप लोगों से मिलते हैं, उनकी जिंदगी में झांकते हैं, देखते हैं कि वो क्या तकलीफों से गुजर रहे हैं। तो पिछले कुछ सालों में मिमी जी, सरकार हर साल बजट में सेशंस में काफी सारी रकम इजाद करती है औरतों के डेवलपमेंट के लिए, उनकी तरक्की के लिए कितने सारे प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं, जैसे कि स्वधर गृह हो गया, स्टेप हो गया, महिलाएं हाट हो गया, जहाँ पे वो लोग अपने सामान बेच सकती हैं जो लोअर तबके की औरतें हैं। तो ये सारी स्कीम्स के जरिए, ये जो रकम मुहैया कराई जाती है उनके जरिए, क्योंकि आप तो लोगों से मिलती हैं, लोअर तबके की महिलाओं से भी मिलती हैं, तो कितना फायदा सच में उनको मिल पाता है इन चीजों का? देखिए, इस हिसाब से हम लोग बोलेंगे पश्चिम बंगाल में हम लोग बहुत बेनिफिटेड हैं, क्योंकि हमारी मुख्यमंत्री खुद एक नारी है। तो इतने सालों में हमने देखा है, जैसे आपने कहा है कन्याश्री, कन्याश्री जैसे औरतों के पढ़ाई के लिए लड़कियों की रूपश्री बोल के जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, एक बेटी को पहले एक डाउन टू लेवल जो फैमिलीज होते हैं, बेटी का शादी एक बहुत बड़ा चिंता हर बाप के लिए था, अपना ज़मीन बेच के घर बेच के भी शादी। आज रूपश्री आने के बाद ये शादी का चिंता काफ़ी हद तक घट गया है, क्योंकि सरकार से उनको पैसा मिल रहा है और हम लोगों के जो MLAs हैं वो भी बहुत हेल्प करते हैं। बहुत रिसेंटली रूपश्री प्रकल्पों को लेके एक MLA खुद एक बहुत अच्छा शादी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज की थी, 10 लड़कियों को गांव से लेके, जो लोग शायद जैसे शादी का सपना वो लोग देखते हैं उसी हिसाब से। उसके साथ आया आपका स्वनिर्भर प्रकल्प जो राज्य सरकार ने किया है,
कि एक टीम बना के जो चार या पांच नारी वो लोग सरकार से लोन लेते हैं और अपना छोटा मोटा बिजनेस वो लोग शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे बाद में बहुत ही कम रादर कोई इंटरेस्ट भी नहीं वही लोन वो लोग अपना स्टेबिलिटी के बाद चुका सकते हैं। सबला मेला बहुत रिसेंटली आप लोग देखे होंगे हुआ है। ये सबला मेला में जितने भी नारियाँ स्टॉल देती है वो बहुत दूर से गांव से शांति निकेतन से बांकुड़ा से बीरभूम से पुरुलिया मिदनापुर ये जगह का जितने भी वहाँ के जो लोकल हस्तशिल्प का जो चीज़ है सामान है वो लोग लेके आ रहे हैं, कोई हनी लेके आ रही है और यहाँ पे वो लोग बिजनेस कर सकते हैं। तो मैंने अपना 10 साल का करियर में ये राज्य सरकार में हमने देखा है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट महिलाओं के लिए हुआ है और हमको लगता है पश्चिम बंगाल तथा कलकत्ता अभी भी बाकी सारे सिटीज से इज मच सेफर देन दैट ऑफ अदर सिटीज। क्या सही बात कही है मिमी जी आपने, एकदम एकदम बात बिल्कुल सही बात है एकदम। क्योंकि अभी भी हम लोग जब रास्ते में निकलते हैं तब भी हम लोगों को उतना कुछ फेस नहीं करना पड़ता है जो मैंने काफ़ी अदर सिटीज में देखे हैं, क्योंकि हम लोग का मुख्यमंत्री वो खुद महिला है और हाल फिल आपने देखा है कोलकाता पुलिस का एक महिला स्क्वाड निकली हुई है जो लोग इफ टीजर्स को चेस करने के लिए बाइक में शाम को लेट नाइट को वो लोग पब्स क्लब्स के सामने घूम रही है ताकि वो लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं अपने बच्चे को या फैमिली को छोड़ के ताकि औरतें पब्स में हो चाहे क्लब में चाहे मूवीज में सेफली एंजॉयमेंट कर सके। इससे ज़्यादा तो हमको लगता नहीं है कि सरकार के तरफ से और कुछ किया जा सकता है। बाकी हम खुद लोगों को भी संभलना होगा। सेफ ड्राइव सेफ लाइफ प्रोजेक्ट सारा वेस्ट बंगाल में चलता है लेकिन फिर भी ड्रिंक एंड ड्राइव होता है क्योंकि हम लोगों को भी अगर सरकार दो तरफ आगे आती है तो हम लोगों को भी 4 कदम आगे जाना होगा वरना एम्पावरमेंट के नाम पर ऐसे ही होता है। बहुत गहरी बात कही आपने। और नया साल का मौका है और जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है कोलकाता पुलिस और स्क्वाड टीम की महिला स्क्वाड टीम की तरफ से दीप्ति। तो जो है जिस सुरक्षा व्यवस्था तो एक तरफ है पर कुछ महिलाएं अभी भी बाहर निकल के खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। तो पूर्णिमा जी से मैं ये जानना चाहूंगी कि जब भाजपा की सरकार आई थी हमारे इसमें तो कई सारे मुद्दों को लेकर आए थे जिसमें से ट्रिपल तलाक बहुत ही अहम मुद्दा था और कई महिलाओं को इससे फायदा भी हुआ है खास करके मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को। तो आपको क्या लगता है कि नया साल आने वाला है तो सरकार का मेन मुद्दा क्या होगा या किस मुद्दे पर वो महिलाओं के लिए कुछ ज्यादा फोकस करने वाली है? हमारी सरकार केंद्र की जो सरकार है महिला सशक्तिकरण पर काफ़ी ध्यान देती हैं और कार्य करती हैं और हर राज्य को वो एडवाइस करते हैं कि आप अपने राज्य के महिलाओं को सशक्त करिए तभी हमारा देश सशक्त बनेगा। वो उन्होंने हर तरह की योजनाओं की शुरुआत की, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कन्या समृद्धि हो, महिलाओं के लिए आपका 50,000 से लेकर 3.5 लाख तक की लोन के प्रावधान करवाए उन्होंने कि अगर किसी महिला में अगर कुछ टैलेंट है जैसे अगर कोई महिला कुछ घर में सिलाई बुनाई का काम करना चाहती है बट वो मशीन खरीदने की उनके पास काबिलियत नहीं है तो वो बिना कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे बैंक से बहुत ही आसानी से लोन प्राप्त कर सकती हैं और काम करके उस लोन को वो धीरे धीरे चुका भी सकती हैं। और बहुत ऐसी महिलाएं कितनी लाख महिलाएं इस लोन का फ़ायदा ली हैं और अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं। हम लोगों ने खुद ऐसी कितनी महिलाओं को इस लोन का फ़ायदा दिया जो महिला मैंने इतनी टैलेंटेड थी हम लोग देख के अबाक थे कि अरे इतनी मैंने साधारण सी दिखने वाली महिला के अंदर इतना गुण और इतना टैलेंट तो आज देखिए हजारों रुपया महीना का कमा रही हैं और अपने साथ 4 महिला को ले कर चल रही है, 4 महिलाओं का घर भी चला रही है। मतलब उनका तो वही है रहा डेवलपमेंट है उनके साथ साथ तो ये कहीं ना कहीं ये सशक्त महिला का बहुत ही बड़ा हमारे केंद्र सरकार का उदाहरण है कि एक महिला को तो आपने लोन दिया लेकिन उस महिला ने 4 महिला को काम दिया। जी 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 एक चैन चल रही है तो कहीं ना कहीं महिला भी 4 कदम आई है, सरकार 2 कदम आगे आई है। जैसे मिनी जी ने कहा कि अगर सरकार 2 कदम आती है तो जनता को 4 कदम आना चाहिए तो महिलाएं 4 कदम बिल्कुल आई है, 4 कदम बिल्कुल आई है। और आप
गांव एरिया में जाइए, अब पहले महिलाओं को क्या था, गांव में था कि सुबह होने के पहले सोच जाना है, शाम होने के बाद सोच जाना है, शौचालय जाना है। तो अभी भले ये मुद्दा बहुत छोटा लगता है समाज को, देश को, लोगों को, आप अपने घर के टॉयलेट को एक दिन बंद कीजिए और बाहर निकलिए शौचालय के लिए, तब आपको ये समस्या कितनी बड़ी और गंभीर लगेगी उस दिन आपको पता चलेगा। लोग बोलते हैं ये तो सफर में जाने पे भी लगता है कि जब सफर में हम लोग जा रहे हैं शौचालय तो में अगर कहीं जाना हो तो कहां जाएं, आज ग्राम ग्राम में जाके एक शौचालय का इंतजाम करवाया हमारे केंद्र सरकार ने। तो जो महिलाएं सुबह उठ के सुबह का इंतजार करती थी शौचालय जाने के लिए और शाम का इंतजार करती थी शौचालय जाने के, उसके बीच में उनको अनुमति नहीं थी जाने की, क्यों उनको खुले में शौच करना सही नहीं है, हेल्थ के हिसाब से भी सही नहीं है, सेफ भी नहीं है, सेफ भी नहीं है, और उनके लिए भी सेफ भी नहीं है, बहुत महिलाओं के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है कि उन्हें खुले में जाकर शौच करना। जी बिल्कुल। और ये प्रधानमंत्री जी ने हमारे बहुत ही अहम मुद्दा समझ के इसे महिलाओं के लिए लाया, तो सही में हम महिला उनको तहे दिल से सल्यूट करते हैं कि इतने लोगों के नजर में भले ये छोटा हो लेकिन महिलाओं के लिए वाकई में ये सम्मान्य कार्य उन्होंने किया। पूर्णिमा जी थोड़ा सा बॉलीवुड को भी कर दीजिए, फिल्म बना के पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी 2019 में हम आने वाले हैं, 2019 का नया साल जो है नई सौगात लेकर आएगा उन महिलाओं के लिए जो हर चीज से वंचित रह चुकी है। तो पूर्णिमा जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि नए साल को लेकर क्या लगता है कि राज्य सरकार, हमारे केंद्र सरकार, सरकार कुछ ना कुछ कर ही रही है, केंद्र सरकार, क्योंकि हमारा इलेक्शन भी दिखती आने वाला है, हाँ, है ना, चुनाव ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या चुनाव से परे हटकर केंद्र सरकार महिलाओं के लिए कुछ सोच सकती है? महिलाओं के लिए तो केंद्र सरकार काफ़ी सारी योजनाएं लाई हैं, अब उन तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं ये जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो वो अपनी कार्य ठीक करते हैं, बट वो जनता तक कैसे पहुंचे? मेरे साथ में, मेरे हमारे साथ में, मुझे बताइए, आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, आप जो हमको लगता है सबसे ज्यादा हाल फिल अपने देखे हैं, हम लोग एक तरफ तो बोलते हैं कि बच्चों को माँ का दूध पिलाओ, दूसरे तरफ कहीं मॉल, मल्टीप्लेक्स, रेलवे स्टेशन में बच्चों को दूध पिलाने का माँ का कोई अलग जगह नहीं है। अभी मॉल में हुआ था, अभी फिलहाल मॉल में हुआ था, हाँ मॉल में हुआ था कि जहाँ बच्चों को दूध नहीं पिलाना था वहाँ पे उसको बाहर गया। हाँ अभी हुआ था, आप लोग एयरप्लेन में भी प्लेन नहीं गए, प्लेन में भी बोला जाता है के बाथरूम में जाके पिलाए, जो कि एकदम हाँ ध्यान सुनी वो साउथ सिटी की घटना याद है आप? हाँ हाँ हाँ, बाथरूम में जाने के पिलाने के लिए कहा था, दूध पिलाने के लिए जगह नहीं दी जा रही थी, नहीं दी जा रही थी। तो हमको लगता है हर सरकार हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो या मॉल हो, जैसे विमेन का और मेन का अलग वॉशरूम होता है, एक मदर्स के लिए भी रेस्ट रूम हो वह लैक्टेटिंग मदर्स एटलीस्ट वो लोग अपने बच्चों को दूध पिला सके, क्योंकि एक तरफ हम बोलते हैं कि 3 साल तक माँ को बच्चों को दूध पिलाना चाहिए और हमको अगर कोई जगह हम नहीं दे पा रहे हैं तो वो लोग क्या करेंगी, शायद कोई जो है वो लोग ये ढकोसले से बाहर आके वो लोग ओपनली बैठ के, लेकिन ओपनली बैठ के इसीलिए पिलाया नहीं जा सकता क्योंकि अभी तक हम लोग जो है नारी के स्तन को एक मेमरी ग्लैंड के हिसाब से नहीं देखते हैं, उसको एक सेक्स ऑर्गन के हिसाब से देखते हैं, इसीलिए ये शर्म, इसीलिए अगर हम एक नारी के स्तन को एक मेमरी ग्लैंड या एक बच्चे का खाने का जरिया के हिसाब से देखें, आपको देखिएगा हमको लगता है कि कोई मर्द अगर कोई औरत को रेप भी करना चाहे और उसका मन में वो आए तो शायद ये भी कम हो, सोच को बदलना होगा, सोच को बदलना। मिमी जी मतलब आपके कहने का मतलब है जो पूर्णिमा जी कह रही हैं कि योजनाएं तो बहुत निकली हैं बट सच में सही ढंग से इंप्लीमेंट होना चाहिए, आपका कहने का मतलब है कि योजनाएं सरकार बना रही है पर साइड बाय साइड जो हो रहा है वो ये है कि जैसे आप ही ने ये दूध का एग्जांपल देके बता दिया है कि हाँ भाई बोला तो सरकार तो बोल रही है बच्चे को माँ का दूध पिलाओ बट दूध पिलाने के लिए जगह तो नहीं। अभी क्या हुआ है दिल्ली में शायद प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो दूध का कर्ज बोल के ऐसे छोटे छोटे रूम्स रख रहे हैं और मुंबई मेडिकल कॉलेज में भी हिरकानी कक्ष बोल के ऐसे जगह खुले हैं जहाँ पे माए जाके बच्चों को दूध। हम लोग हर केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार सबसे अनुरोध करते हैं क्योंकि बच्चे तो होते रहेंगे कि लेकिन माँ वो घर से नहीं निकल सकेंगी क्योंकि बच्चों को दूध पिलाना है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और रिसेंटली आप देखे होंगे हम लोग फॉरन
उदाहरण से हम लोग अपना तुलना करते हैं, लेकिन अभी आपने कुछ ही दिन पहले देखी होंगी कि ऑस्ट्रेलिया के जो पार्लियामेंट्री थी मिसेस लैरिसा वाटर्स, उन्होंने पार्लियामेंट में ही अपने बच्चे को दूध पिलाया था और पूछा जाने से वो बोली थी कि माएँ जो है वो बच्चे को जन्म देंगी और काम भी करेंगी, तो बाकी सबको जो है उनको ये एकोमोडेट करना होगा कि माँ बच्चे को लेके आ सकती है। तो हम लोगों को भी अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि हर बेटी एक दिन माँ बनेगी और माँ का दूध पिलाने का हक, बच्चा का हक या माँ का हक कोई छीन नहीं सकता, और ना कि टॉयलेट में जाके पिला सकता है, क्योंकि टॉयलेट में एक छोटे बच्चे को दूध पिलाना दोनों के लिए खराब होता है। तो इस हिसाब से हम दोनों सरकार से भी निवेदन है कि वो इस मुद्दे पे भी देखे कि जैसे वॉशरूम्स बने हैं वैसे लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी कुछ अलग ऐसे रूम्स एयरपोर्ट में, फिर आपका हॉस्पिटल्स में, फिर आपका रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, मॉल में भी ये कंपलसरी किया जाए ताकि माएं अपने बच्चों को दूध पिला सके। तो कमलेश जी बहुत ही सही बात कहा है, जी बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा बात आपने कही है। अगर ये बन जाता है एक तो महिलाओं को बहुत फायदा भी मिलेगा इससे, और जो हमारे जो राज चलती महिलाएं हैं वो किसी भी तरह की उन्हें दिक्कत नहीं होगी, तो वो अपने आप को महफूज समझेंगी, तो शर्माइयो हिचक नहीं है। तो कमलेश जी आप ही से पूछती हूँ इस चीज के बारे में, आप तो शिक्षक रह चुकी हैं, तो ये जो मेंटालिटी होती है, इन्होंने एक बड़ा अच्छा टॉपिक उठाया है अभी सोनी, आपने देखा होगा कि आज भी औरतों के स्तन को एक मेमोरी ग्लैंड के हिसाब से नहीं देखा जाता है, एक सेक्स ऑर्गन के हिसाब से देखा ही जाता है। तो आज तो आप पढ़ा रहे हैं इतने साल से, इतने लोगों को आपने शिक्षा दी है, आप क्या देख रहे हैं कि ये क्या सिर्फ लोअर तबके के लोगों के अंदर ही है कि आज के जो हमारे जो जनरेशन है, मेरे ख्याल से तो, क्योंकि सोनी हम तो देखते हैं हमारी जनरेशन के लोगों की मेंटालिटी थोड़ा ज्यादा खराब है, लोअर तबके के लोग तो फिर भी थोड़ा अच्छा ही सोचते हैं, तो आप क्या बोलेंगी कमलेश जी इस बारे में? ऐसा है कि ना, अगर स्त्री और पुरुष का जो संबंध है सहचरी का हो, दोस्त का हो, मित्र का हो, तो वहाँ क्या है कि पुरुष और नारी के बीच में इस तरह का पार्थक्य नहीं रहता है। आज क्या है कि पढ़ लिख तो गए हैं बच्चे, लेकिन उनके अंदर संस्कार का अभाव है, तो ऐसी स्थिति में जो अपने साथी लोगों को है वो मिल करके चले, साथ लेकर के चले, वो उसमें वो नहीं देखते हैं, इसीलिए क्या होता है कि वो महिलाओं का जो इस तरह से शोषण हो रहा है ना, तो पुरुष की जो विकृत मानसिकता है उसके कारण हो रहा है, क्योंकि उनको घर से वो संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं। आज उनकी माँ बाहर कमाती है, घर में पिताजी को समय नहीं है, और ऐसी स्थिति में वो क्रेच में पलते हैं या फिर नौकरदाई के स्तर पर रहते हैं, तो उनके अंदर वो संस्कार नहीं आए हैं। इसलिए क्या है कि स्वस्थ भाव से किसी लड़की के साथ दोस्ती करना, उसके साथ उसको बढ़ने के लिए मौका देना, ऐसे बहुत कम रेयर मिलता है। हालांकि आप देखेंगे स्पोर्ट्स लाइन में और भी बहुत से जॉब हैं, तो वह हमेशा अपना बोलते हैं कि हम ना आगे बढ़े हैं तो हमारे अपने मेंटर के द्वारा बढ़े हैं, गुरु के द्वारा बढ़े हैं, उनके थ्रू हैं, लेकिन जो उनके साथ के साथ काम करने वाले लोग हैं वो उनको स्वस्थ नज़र से नहीं देखते हैं कि जिस तरह की है ना वो आगे बढ़ सके और उनको आगे लिया जा सके। ये क्या है कि कॉलेज वगैरह में भी हम लोगों ने बहुत देखा है, हम लोग का जैसे मॉर्निंग कॉलेज था तो वहाँ लड़कियाँ ही ज़्यादा थी, हाँ मॉर्निंग में कॉलेज था तो लड़कियों का ही जैसा था, अब वहाँ भी आप देखिए कि हम लोग ज़्यादातर लड़कियों के लिए कोई सुविधाएं नहीं दे पाते थे, और हम लोगों का जो डिपार्टमेंट था हिंदी का, तो वहाँ का अगर किसी लड़की को कोई मेंस की समस्या वगैरह हो जाती थी तो उसके लिए पैड वगैरह नहीं मिलता था, तो ये इतनी विराट समस्या थी कि बच्चों को हम लोग क्या कर पाए। स्कूल में तो हम लोग करते थे, क्योंकि स्कूल में हमारा एक सैनिटरी बॉक्स वगैरह होता था, क्योंकि वहाँ बच्चे 9 और 10 में आ जाती हैं लड़कियाँ, तो उस समय हम लोग उनको वहाँ कर देते थे, लेकिन चूंकि कॉलेज में ना ज़्यादातर कोएड है या डे में है ना केवल लड़कों का है, लड़का लड़की दोनों का, और इवनिंग में केवल लड़कों का है और मॉर्निंग में केवल लड़कियों का होता था, तो वहाँ पे कोई सैनिटरी बॉक्स की स्थापना ही नहीं हुई थी, और लड़कियाँ बहुत परेशान हो जाती थी, तो है ना मेरे पास आती थी कि मिस ऐसी ऐसी स्थिति है क्या करें, तो उसको हमने वहाँ पर प्रोवोक किया कि यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों का जो कॉलेज है और वहाँ अगर लड़कियों के लिए व्यवस्था नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे। तो क्या कि उस समय मॉर्निंग में कॉलेज में 8 बजे तक तो दुकानें नहीं खुलती थी, तब जाकर के मैंने सैनिटरी बॉक्स की व्यवस्था करवाई वहाँ पर, तब जाकर के लड़कियों को वहाँ से मिलता है। भाई बहुत अच्छा कदम, बहुत अच्छा कदम लिया है। और आज हमारे उड़ान के दो जागरूकता कराया जा रहा है इसे लेकर, जो काफी अच्छी बात कही है कमलेश जी ने, और ऐसा भी देखा जाता है कि सरकारें जो है कई सारी योजनाएं तो बना ही रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसा तबका है जहाँ की महिलाएं जानती ही नहीं है कि ये योजना कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये योजना कैसे इस्तेमाल किया जाए, कहीं ना कहीं महिलाएं वर्सेस महिलाएं भी है, एक दूसरे का इसका फायदा उठाती दिखाई देती है।
तो क्या ही नजरिया शिक्षा को लेकर होता है या परवरिश को लेकर होता है या संस्कार को लेकर? देखिए इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? हमारी उड़ान संस्था है और उस उड़ान संस्था के द्वारा हम लोगों ने चैरिटी पेट वगैरह बांटने का काम किया और ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में ये सब किया, क्योंकि तो सरकारी स्कूलों में जो बच्चे हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, तो हम लोगों ने वेल्डिंग मशीन वगैरह लगा करके बच्चों को वहाँ शिक्षित किया, सब कुछ तैयार किया उनको कि जिससे कि उनको सुविधाएँ मिले। अब ये चीज़ क्या है कि लोगों ने उसको एक सिंबल के रूप में ले लिया है, अब वो ना बड़े बड़े स्कूलों में लगाना चाहती है, जबकि बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे तो खुद ही एक्सपर्ट हैं, वो सब कुछ जानते हैं, उनका परिवेश भी वही है, लेकिन मेन चीज़ है सरकारी स्कूलों में ये व्यवस्था को करने की, लेकिन वहाँ पर कोई इसका ध्यान नहीं देता है। तो हम लोगों ने वेल्डिंग मशीन तो लगा दी, अब वहाँ पर सैनिटरी पैड को हमेशा सप्लाई करने वाली बात है, वहाँ हम लोग 5 रुपए में 3 देने के लिए भी तैयार हैं, वहाँ हम लोग क्लास भी लेते हैं, डेमो भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, हैं, लेकिन वहाँ पर चूंकि है ना टीचर्स वगैरह अगर वो लोग उनके साथ कोऑपरेट करेगी तब तो बच्चों को सही दिशा में सब कुछ मिलेगा, अगर टीचर्स अगर वो नहीं कर पाती हैं तो भी बच्चे सफ़र करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सफ़र करेंगे। ये है कि हम लोगों ने भी उड़ान के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया, बहुत कर भी रहे हैं, और अभी हाँ क्योंकि उसमें ना देखिए महिला सशक्तिकरण के स्तर पर हम लोग उन महिलाओं को जो कि ना बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी हैं, शिक्षित नहीं हो पाई हैं, 12वीं क्लास में उनकी शादी वगैरह हो गई, समस्या सबसे ज़्यादा उन्हीं के साथ आती है। एकदम सही कहा ये जो कम उम्र में शादी जो कम उम्र में शादी हुई है और उसके बाद उनके लाइफ में अगर कोई ट्रेजिडी होती है तो उन लोगों को पाँव पर खड़ा करने की सबसे बड़ी ज़रूरत है, लेकिन जो अभी शिक्षा कर ही रही हैं और शिक्षा में MBA MTech कर रही हैं उनको तो अपने आप ही सारा रास्ता मिल गया है। तो मेरे पास तो ऐसी महिलाएं बहुत आती हैं जो 12वीं क्लास की, और अभी एक लड़की का केस है कि वो 14 साल से अपने ससुराल में बंदी बन करके रह रही है, उसकी एक लड़की है और उसकी लड़की को भी उसके एक ससुराल वाले पढ़ाने नहीं दे रहे हैं, बोलते हैं कि नहीं घर का काम काज करो, कुछ करना नहीं है, और वो लड़की बोल रही है कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरे घर में कोई करने वाला नहीं है, मैं केवल 12वीं तक भी पूरी पढ़ाई नहीं कर पाई हूँ, अब मुझे अपने पैर पे खड़ा होना, नहीं तो मुझे वो लोग जिस तरह से 2 रोटी देते हैं उससे मैं कैसे अपने ज़िंदगी वो करूँगी। तब उस समय मेरे को उसको बताना पड़ता है कि शिक्षा तुमने जितना पाई है उसको अपना हथियार बनाओ, और कोई भी काम तुम बाहर करके आओगी तो तुमको वही शक्ति देगा उसी के आगे बढ़ना है, तब तुम है ना अपने आप को पहचानो, तुम्हारी ये यकी जिंदगी मिलेगी, बार बार जिंदगी नहीं मिलेगी। तो आज उस लड़की के अंदर में इतनी हिम्मत आई है कि वो अपने ससुराल से निकल के आई है, आने के बाद में मेरे पास आई है, बोले मिस मैं उस तरह से नरक की जिंदगी नहीं जीऊँगी, मेरी जिंदगी औरों के लिए, मैं समाज के लिए कुछ करूँगी। तो अब क्या है कि देखिए महिला सशक्तिकरण को है ना हम लोग है ना केवल फोटो दिखाने के लिए, उससे करने के लिए दिखाते हैं कि हमने ये साड़ी बांटी, कंबल बांटा, शॉल बांटी, ये बांटा, ये सब चीज़ें से उस महिला सशक्तिकरण बहुत आगे नहीं बढ़ेगा। सवाल है कि हमारे समाज के वे महिलाएं जो कि पूरी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाई हैं और उनके सामने जो समस्याएँ आ रही हैं उनको हम किस तरह से सबल बनाए जिससे कि वो आगे निकल पाए, उनके अंदर भी क्वालिटी है, बहुत कुछ है। हाँ अब वो क्या करती हैं कि घर में खाना बनाने का काम कर रही हैं और फिर बाहर सप्लाई कर रही हैं, हमारे ये भी बहुत अच्छा काम है, कोई भी काम खराब नहीं है, तो उसको आप पूरे लग्न से कीजिए, पूजा समझ करके कीजिए तो वही रास्ता आपको आगे ले जाएगा। बहुत सही बात कही, एम्पावरमेंट ही सबसे बड़ी एम्पावरमेंट है। नहीं नहीं इनका एक है मैडम से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, इसका कारण है हमारे समाज के लोग। तुलसीदास जी ने अपने रचयिता में कहा था कि शूद्र ढोल पशु नारी ये सब है तारण के अधिकारी जी। तो उन्होंने कहा था तारण मीन्स शिक्षित करना, शिक्षित कि आप जब शूद्र को शिक्षित करते हैं तो वो आपके समाज आसपास के जगह को साफ सुथरा रखता है, आप ढोल को जब शिक्षित करते हैं तो उससे आप ध्वनि नई नई ध्वनि की प्राप्ति होती है, और आप जब एक पशु जैसे कुत्ता बैल को आप शिक्षित करते हैं तो कुत्ता आपकी रखवाली करता है और बैल आपको खेती करने में सहायता करती है, और नारी को आप शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरे समाज को शिक्षित करते हैं, पूरे समाज को शिक्षित करते हैं, अपने घर परिवार पूरे समाज को शिक्षित करते हैं। पर हमारे सामंतवादी रूढ़िवादी पुरुष प्रधान समाज के लोग तारण का अर्थ दिए और पीटना और उसे प्रताड़ित करना जी। तो लोगों ने क्या उसी समय से चलता आ रहा है कि नारी गलत तारण के अधिकारी में उन पे गलत व्याख्या करके उसका सब कुछ गड़बड़ कर दिया, उन पे तो हमारा अधिकार है उनको टॉर्चर करना, अत्याचार करना, उन पे अत्याचार कर सकते हैं, लेकिन
महिलाओं ने इसके विरोध में उतर के काफ़ी अपने आप को इतना आगे रखा है कि अब नहीं, ये नहीं चलेगा आज जो जनरेशन चल रही है। और इसके विरोध में काफ़ी ऐसे महान पुरुष भी आए जैसे राजा राम मोहन रॉय थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, जो महिलाओं के इस अत्याचार के विरोध में आवाज़ उठाई। और महिलाएं तो सदियों से उठा ही रही हैं, अभी भी उठा रही हैं। आपने जैसे कहा, एक मिनट आपने जैसे कहा कि तुलसीदास जी की व्याख्या का बहुत गलत अर्थ लेकर के समाज में विकृति फैली, वैसे अगर देखा जाए तो तुलसीदास जी ने बहुत सी बातें कही है जो नारी के स्तर पर है। मैं ये नहीं कहती कि नारी बिल्कुल बेदाग है और या उसके अंदर में कोई कमी नहीं है, उसमें बहुत कमी आ है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। फिर तुलसीदास जी ने यह भी कहा है, मोहि नर नारी नारी के रूपा, एक नारी दूसरी नारी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, सहन नहीं कर पाती है, नारी नारी के कष्टों के कारण है, नारी नारी के कष्टों के कारण है। मैंने भी ये उपन्यास पढ़ा था, तो उन्होंने सिद्ध ये भी बात कही है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है कि अवगुण आठ सदा उड़ रहे, नारी के अंदर आठ अवगुण हमेशा रहते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या है कि हम केवल पुरुष वर्ग को दोष नहीं दे सकते, घरेलू के हिंसा के स्तर पर देखिए या उनकी असुविधाओं के स्तर पर देखिए तो सबसे अधिक घर के अंदर नारी नारी को प्रताड़ित करती है। और इस प्रकार नारी को हम सशक्तिकरण बनाने के लिए जो बात कर रहे हैं वो शिक्षा का एक हथियार दे करके कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि घरेलू जो महिलाएं हैं उनकी मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने कहा कि नारी को शिक्षित कीजिए, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो। और आज आप जो शिक्षा पाने की नारी नारी के कष्टों के कारण नहीं बनती, आपके घर में अगर चार महिलाएं चारों शिक्षित है तो देखिए उस घर में प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर एक शिक्षित है एक शिक्षित नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम नहीं, आजकल आप देखिएगा कि ऐसा होता है, प्रॉब्लम की तरह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शिक्षा के आजकल शोषण करने के तरीके बदल गया। नहीं तरीके बदल, कभी किसी लड़की को अगर उसके काम के कारण भी अच्छा प्रमोशन मिलता है उसी की जो कलीग है वो फर्स्ट बोलेगी कि शायद बॉस के साथ इसका कुछ है, तो वो दोनों ही शिक्षित है, ऐसा नहीं है कि शिक्षित नहीं है। वुमेन हम बोलते हैं वुमेन शुड ऑलवेज बी मोर ऑफ डिफेंडर्स टू ईच अदर रादर देन ऑफेंडर्स, एक एक के लिए अगर खड़े होते हैं। आप देखिएगा जितने भी डाउरी केस होते हैं सास का लिस्ट सबसे बड़ा होता है, बाद में होने वाला पति का और ससुर बाद में होता है, और जब बेटी पैदा होती है तो सास सबसे ज्यादा मुंह फुला के रहती है, बाद में बाकी। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सारे शिक्षित नहीं है, शिक्षित में भी होते हैं, लेकिन शिक्षित का घटना बहुत कम निकलते हैं क्योंकि वो लोग सोसाइटी के इस स्तर में है कि वो लोग अगर इसको बाहर निकलते हैं तो वो बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा बन जाता है, प्रेस होता है, लाइट में नहीं आ पाते, ऐसे भी होते हैं बहुत बड़े घर में भी ऐसे होते हैं सोसाइटी के टॉप लेवल में, जहाँ आप देखेंगी कि शायद वो एकदम अच्छे स्तर में काम करते हैं या एंटरप्रेन्योर है, लेकिन उसका फैमिली लाइफ ठीक नहीं है, वहाँ पे उसका टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर हो रहा है, शायद माँ को बच्चे के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये शिक्षा जो है ये हमेशा किताबी शिक्षा का जरूरत नहीं है, ये मन की शिक्षा है, और एक दूसरे के मन को समझना होगा, दिल से दिल का शिक्षा है, हमेशा किताबी शिक्षा ही इसको नहीं देगी, ये एक दूसरे को फील करना होगा क्योंकि वो मन से आएगा, किताब से नहीं आएगा, किताबी शिक्षा का। अभी दो दिन पहले IPS की लड़की थी और उसकी शादी थी, वो खुद डॉक्टर थी, लेकिन शादी के एक दिन पहले और उसने क्या किया, सुसाइड कर लिया, ऊपर से जाकर के गिरी है। अब यहाँ सोचे कि इतनी अधिक शिक्षित महिलाएं होकर के अब उनके अंदर क्या संस्कार नहीं रहा है, धैर्य नहीं रहा है, सबसे बड़ी बात है आज नारी में पेशेंस नहीं है, और ये पेशेंस नहीं होने पर हमारी सारी शिक्षा क्या है, बिल्कुल बेकार हो जाती है। एक और बात है, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, पहले हम लोग जो थे चाची मासी कजिन जॉइंट फैमिली में हम लोग शेयर करते थे, तब हम लोग इतना सेल्फिश भी नहीं थे, छोटा सा खाना भी लाते हैं तो भाई बहनों में बांट के खाते हैं, किया जाता था, तब लगता था कि शेयरिंग इज केयरिंग। लेकिन अभी क्या है, अकेले बच्चे हैं, घूमने का जगह है, मल्टीप्लेक्स या मॉल जो भी चाहिए उनको मिल जाता है, तो इसका एक इफेक्ट जितना बड़ा वो हो रहा है उसका मांग भी उतना ज्यादा हो रहा है, तो तब इसका भी एक इफेक्ट
फैमिली लाइफ का जो इफेक्ट है। तो दीप्ति, काफी सवाल जवाब जो है वो हो रहे हैं और आए दिन हम जो खबरें में देखते रहते हैं महिलाओं के साथ जो काफी शोषण होता है, चाहे वो बच्चों के साथ हो, चाहे बड़ी महिलाओं के साथ हो या औरतों के साथ हो, एक्चुअली देखा जाता है। इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो है काफी चाक चौबंद कर दिए गए हैं, स्कूलों में सब जगह पर जो है सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। बिल्कुल सोनी, एकदम सही मुद्दा उठाया है आपने। पिछले कुछ दिन पहले हमने देखा था कि स्कूलों में चाइल्ड अब्यूज की बड़ी घटनाएं सामने आई थी और खास करके प्राइवेट स्कूलों का नाम सुनकर सामने आया था, तो ऐसी बहुत ही शर्मनाक हरकत थी वो। इसके अलावा आए दिन जो हम देख पाते हैं खबरों में, और कभी किसी ऑटो ड्राइवर के साथ के द्वारा, कभी किसी कैब ड्राइवर के द्वारा इन रेप की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, सबसे पहले जो सल्यूशन हम लोग कर सकते हैं वो है मेंटालिटी चेंज करना। रेप का जो मेंटालिटी होता है वो एक विकृत मस्तिष्क का मेंटालिटी होता है, क्योंकि किसी से ज़बरदस्ती ऐसा कुछ करवाना वो कोई नॉर्मल मेंटालिटी वाला आदमी तो होगा नहीं। तो एक 3 महीने का बच्चा जो अपने शायद उसके बेटी से भी छोटा, एक 65 साल का आदमी उसके तरफ गंदी नज़र से कैसे देख सकता है। तो ये जो विकृत मस्तिष्क रेप के जो पनिशमेंट्स है, हमको लगता है वो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए और थोड़ा जजमेंट बहुत फास्ट होना चाहिए, क्योंकि वह 1-2-3 साल तक उसको ड्रैग करने का कोई मतलब नहीं है। रेप के लिए अगर कोई अलग ऐसे कोर्ट्स के नियम हो जो कि तुरंत या तो 30 दिन या 15 दिन तक पनिशमेंट हो, तो शायद वो पनिशमेंट का डर से कुछ हो। और हम हमेशा यही बोलेंगे कि अगर ऐसा सिचुएशन आए तो जो क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं जो जानते नहीं है कि इसके बाद क्या करना है। वेस्ट बंगाल वीमेंस कमीशन जो है हम लोगों का यहाँ, जो कि आपका जो राजक भवन है सॉल्ट लेक में विकास भवन के बगल में, वहाँ पे जाके कंप्लेन करना, या अगर चाइल्ड के साथ कुछ होता है तो वेस्ट बंगाल CPCR चाइल्ड प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स जो कि उल्टाडांगा में है, वहाँ कंप्लेन करना, FIR करना, डॉक्टर के पास जो मेडिकल्स लेना, ये जो प्रक्रिया है। क्योंकि हम लोग जितना भी कोशिश करें, अगर सिचुएशन घट जाता है तब उसको कैसे मुकाबला किया जाए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर दिन जो लेट होता जाएगा 1-1 घंटा रेप विक्टिम के लिए वो इजी रहता है, क्योंकि जो फिजिकल टेस्ट होते हैं वो 24 आवर्स के अंदर कोई भी सरकारी मेडिकल अस्पताल में किया जा सकता है, और वो सर्टिफिकेट FIR या बाकी के कार्रवाई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो तब 1-1 मिनट भी इम्पोर्टेंट है, तो समय ना नष्ट करते हुए ये जो पर्टिकुलर जगह है जब चाइल्ड के साथ होता है, तो CPCR वेस्ट बंगाल चाइल्ड प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स, और जो बच्चा जिस स्कूल के अंडर हो या उसका जो लोकल PS, ये बहुत ज़रूरी है जानना। और हमेशा एज ए गार्जियन बोले, हम लोगों को अपना लोकल थाना जो है डायल 100 या ये जो लेडीज स्पॉट के नंबर, ये सब एसेंशियल नंबर हर महिला को अपने मोबाइल में रखना भी ज़रूरी है। जब वो कैब में चलती है तो ओला में जैसे एक आपका ऐप है तो उसमें सब आ जाता है, लेकिन बिना ओला का जो कैब है उसका नंबर नोट डाउन करना, या छोटा छोटा ये जो है अपने तरीके से हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये हमको लगता है। पूर्णिमा जी क्या कहेंगे? बिल्कुल मिनी जी से सहमत हूँ कि जो समाज में महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रही है वो लड़कों में शिक्षा और संस्कार के कमी के कारण हो रही है। अगर उनके घरों में अगर सही शिक्षा मिले कि जिस प्रकार से आपके बहन बेटी आपके सम्माननीय हैं, वैसे दूसरों के बहन बेटी भी सम्माननीय हैं। बात नजर ये की है। और एक शराब, जो शराब पीते ही पता नहीं कौन से वो दुनिया में चले जाते हैं लोग, और राह चलते लड़कियों को और अपना प्रॉपर्टी समझने लगते हैं, ये तो सरासर मैंने इसको बैंड किया जाए। और अश्लील फिल्में, अश्लील ऐड, एक ऐड देखा जाता है टीवी में प्राय कि एक लड़के ने परफ्यूम मारा और 20-25 लड़कियां उसके पीछे अर्धनग्न अवस्था में भागी जा रही, ये क्या है? महिलाओं को किस प्रकार से आप दिखा रहे हैं? महिला तो ये सेक्स का ही एक पोर्ट्रेट महिला माँ है, बहन है, आपकी पत्नी है, घर घर संभालने वाली लक्ष्मी है, आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो? और उसका विरोध कोई नहीं करता है, समाज में इतने अच्छे अच्छे लोग विराजमान हैं,
पर इस तरह के एड, इस तरह की फिल्मों को कोई विरोध नहीं जताते हैं, क्यों? आज दिल्ली में जो दुर्घटना कुछ सालों पहले हुई थी निर्भया कांड, उसमें आप सुने होंगे कि सबसे ज्यादा क्रूरता एक बच्चे ने की थी, जो महज 3 साल के सजा काट के वो आराम की जिंदगी अभी चला रहा है। क्यों? वो ये तो निर्भया के साथ बहुत ही अन्याय हुआ। तो शराब पीने के कारण हुआ, चाहे आप जिस चीज का दोष माने, तो हम लोग एक ही नारी होने के नाते हम लोग एक ही चीज का डिमांड करते हैं सरकार से, सिर्फ नारी होने के नाते, कि इसका जो सजा है, माने कठोर से कठोर मृत्यु दंड का अगर प्रावधान हो बलात्कार का, तो बलात्कार जैसी चीज हमारे समाज में नहीं होगी, इसके नामो निशान तक मिट जाएगी। कमलेश जी क्या कहना चाहेंगे, 30 सेकंड है आपके पास। एक्चुअली बलात्कार की जो समस्या है, आज ये भयंकर रूप हमारे लेकर के समाज में आ गई है। बहुत लोग इसके लिए बहुत से कारण ढूंढते हैं कि नारी का वेशभूषा है, नारी का वो है, ये है, लेकिन सवाल क्या है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर संस्कार नहीं है, धैर्य नहीं है, विवेक नहीं है। ये नहीं होने के कारण वो नारी को क्या है कि केवल भोग्या के रूप में देख रहे हैं। उसकी जो शक्ति है अब वो उनके लिए चुनौती बन गई है। अब क्या है कि जब वो अपने कहीं काम पे निकलते हैं, देखते हैं कि हर जगह नारी की है, और बस में ना देखते हैं कि कुछ सीटें रिजर्व है नारी के लिए, और वहाँ पर अगर है ना वो अगर बैठे तो नारी उनको बैठने नहीं देती, तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, अरे आप लोग की सीट मिल गई तो हम लोग बैठ नहीं सकते हैं क्या, हम लोग बैठेंगे नहीं क्या। अब क्या है कि सहयोग वाली भावना नारी के साथ उनकी नहीं रहती है, वो कहते हैं कि सैडिस्टिस्ट नेचर होकर के वो किस तरह से टॉर्चर करके अपना पुरुषत्व उनके ऊपर दिखाए, क्योंकि अब उनको उनमें इन्फिटी कॉम्प्लेक्स बहुत हो गया है, क्योंकि अब लग रहा है कि लड़कियां पढ़ाई में बहुत आगे निकलती हैं, सब काम में लड़कियां आगे निकलती हैं, हम लोग नौकरी में नहीं, हम बेकार हैं। तो ये जो मानसिकता है ना, वो मानसिकता उनकी उस रूप में विकृत होकर के होती है, जहाँ वो नारी के ऊपर में इस प्रकार का अत्याचार करते हैं शारीरिक रूप से। वैसे नारी सशक्ति के स्तर पर बहुत मजबूत, लेकिन शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं वो कमजोर भी पड़ जाती है। और दूसरी बात ये, जैसा इन्होंने कहा कि आज जो हमारी फिल्में आ रही हैं, जो हमारे एडवर्टाइज दिए जा रहे हैं, और नारी को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है कि वो नारी बहुत सस्ती हो गई है, कि आज एक परफ्यूम को आप देख करके सब नारियां उसके पीछे भाग रही हैं, और खुलेआम वो सब ना कर रही हैं जिस तरह की हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो यहाँ ये प्रश्न उठता है कि हमारे समाज में ये जो बलात्कार की जो बार बार घटनाएं हो रही है, इसमें हमारे एडवर्टाइजमेंट और मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है, असली फिल्मों का बहुत रोल है। तो हमें दीजिए इजाजत, हमारी पूरी टीम की ओर से हमारे सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई हमारे तमाम दर्शकों का जिन्होंने अपने कीमती वक्त निकालकर हमारे लाइव कोलकाता के स्टूडियो में आई। आप किन शब्दों में नए साल की बधाई हमारे दर्शकों को देना चाहती हैं? आइए उनसे जानते हैं। स्त्री तू है शक्ति, स्त्री शक्ति। हम तो यही कहेंगे कि अच्छे रहिए, अच्छे कीजिए, और सबसे बड़ी बात जो है एक दूसरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाइए। ये महिलाओं के लिए पर्टिकुलरली है, ट्राई टू बी डिफेंडर्स टू ईच अदर रादर देन ऑफेंडर्स। आई थिंक यू कैन रूल ओवर एवरीथिंग। नमस्कार, मैं पूर्णिमा चक्रवर्ती इंडिया गेमिंग फाउंडेशन से हूँ, और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कोलकाता लाइव चैनल के माध्यम से सोनी जी और दीप्ति जी के साथ, और हमारे साथ हैं कमलेश जी और मिनी जी। तो इन लोगों के साथ हम आप लोगों को 2019 की हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए जी। मैं डॉक्टर कमलेश जैन आज अपने सहयोगियों के साथ जिस प्रकार की चर्चा में आई हूं, और 2019 के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। हमारा 2019 हमारे सारे विकास की यात्राओं को इस रूप में लाए कि हम केवल भौतिक रूप में विकास न करें, बल्कि हमारा मानसिक विकास हो, शिक्षा के सही स्तर पर हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें, और हम सोचें कि जो हो रहा है उसमें क्या बदलाव ला सकते हैं। और ये तभी होगा जब हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होगी। इसलिए नए साल में आप लोगों से सबसे यही प्रार्थना है कि आप लोग अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाएं, और नारी को नारी के स्तर पर एक सहचरी के रूप में देखें, भोग्या के रूप में नहीं। धन्यवाद। स्त्री तू है शक्ति, स्त्री शक्ति। तो सोनिया, आज काफी चर्चा की हमने,
औरतों की उन्नति को लेकर, उनके उन्हें सशक्त बनाने को लेकर, पर क्या इन चर्चाओं से सिर्फ काम बनेगा? नहीं, अगर आप भी सच में चाहते हैं औरतों की प्रगति, तो शुरुआत अपने घर से करिए। जब हम सब एकजुट होकर इस मुद्दे पर काम करेंगे, तभी सही मायने में हम नारी सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट के पथ पर अग्रसर हो पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। और जैसा कि हमने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था, नारी की उन्नति पर राष्ट्र की उन्नति निर्भर करती है। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत।